तो नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 14 फेब 2023 और आज दिन है वैलेंटाइन डे का और हैप्पी वैलेंटाइन डे सभी को। और दोस्तों, मैं अभी आ चुका हूँ पालम के जस्ट फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गया हूँ और लास्ट स्टॉप मेरा हुआ था एरोसिटी और एरोसिटी से अब मैं जा रहा हूँ घर। और क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है तो बेटी की फरमाइश थी कि मैं उनको बाहर घूमना है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज हाफ डे काम करते हैं और फिर कहीं चलते हैं। तो उनको देखते हैं कहाँ का प्लान होगा कहाँ का नहीं होगा। पर इसीलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले फैमिली को टाइम देना ज़रूरी होता है, काम तो पूरे टाइम चलता ही रहता है। तो इसलिए आज वैसे भी काम का जो मतलब वो है बिल्कुल मंदा है काम, और काम कोई खास है नहीं आज, मार्केट बिल्कुल ही मंदी पड़ी है। तो आप भी बताना दोस्तों, आप कहाँ पर हो और काम कैसा है इस टाइम? मैं अभी तो निकल के आया हूँ नोएडा से, नोएडा चला गया था नोएडा से बड़ी मुश्किल से। ना उबर में ट्रिप आ रही, ना ओला में ट्रिप आ रही, ना इंट्राइब में ट्रिप आ रही। मैं दिमाग खराब हो गया मेरा यार, जीआईपी साइड का एक्सपीरियंस बड़ा गंदा है दोस्तों। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि जीआईपी साइड आप होते हो और मतलब वहाँ पर ट्रिप्स नहीं आती है? तो ये सीन मेरे को फेस करना मिल गया। मतलब कम से कम 40 मिनट तक मेरा वेस्ट हुआ आज नोएडा में। और नोएडा में कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, वो मैं आपको बता देता हूँ। और आज सुबह मैं दोस्तों निकला था करीब 7 बजे, और 7 बजे जब निकला था तो पहली ट्रिप मेरे पास जो आई थी, तो दोस्तों पहली ट्रिप मेरे पास आई थी आपका ओला में ही आ गई थी आज। तो आज मैंने चलाई ओला, तो ओला में पहली ट्रिप आई मेरे पास सिविल लाइन्स की बुकिंग थी और उत्तम नगर से पिकअप था आपका नवादा मेट्रो साइड से। तो मैं पहले फ़ोन कर लिया मैंने उसको, क्योंकि मैंने कहा यार ओला चला रहे तो ओला में क्या है कि कस्टमर से कंफर्म कर लो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ओला में जो गाड़ी चलाते हैं तब क्या है कि दिक्कत यही होती है कि कस्टमर की कैंसिल बुकिंग्स बहुत होती है। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब बंदा उसमें होता ही नहीं है लोकेशन पे, जब फ़ोन करो तो बंदा पहुँचता है कहता है कि भैया मैंने तो बहुत पहले बुकिंग करी थी और आप कब आ रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन ना फेस हो इसलिए मैं सोचा यार पहले क्या है कि फ़ोन कर लिया जाए कस्टमर को। और मैंने कस्टमर को फ़ोन किया, कस्टमर को बोला मैडम आपको सिविल लाइन्स की बुकिंग आई है तो आना है। तो कह रही हाँ भैया आना है। मैंने कहा चलो मैं 5 मिनट में पहुँचता हूँ। अब 5 मिनट में मैं पहुँचा वहाँ पर, पहुँच के फिर इनको बैठाया। बैठाने के बाद भाई सिविल लाइन्स का ड्रॉप पिकअप डाला हुआ है आपने ड्रॉप, तो मैं सिविल लाइन्स ही छोड़ूंगा आपको। तो सिविल लाइन्स पे मैंने उनको मतलब ये लगा लो जकीरा वाली साइड से लेकर जा रहा था। तो जकीरा से क्या है कि जकीरा से एकदम सीधा रास्ता था सिविल लाइन्स का। तो जकीरा जैसे ही फ्लाईओवर पहुंचा उन्होंने बोला भैया वहाँ मतलब राइट मुड़ना है। मैंने कहा राइट क्यों मुड़ना है? कहती मेरे को बच्चे को ड्रॉप करना है। मैंने कहा बच्चे को ड्रॉप करना है, वो बात ठीक है मैडम, बट आपने इसमें ऐड तो किया नहीं। कहती नहीं मैंने ऐड किया था। मैंने कहा देखो आप, मैंने कहा आपने सही टाइम पे बोल दिया। फिर मैंने राइट घुमाई गाड़ी तो उनको आपका सिद्धार्थ होटल से जो सीधा रास्ता जा रहा है अंदर की तरफ, वहाँ एक स्कूल है तो वहीं पे ड्रॉप करना था। तो मैंने कहा लोकेशन ऐड करो, तो ऐड करके फिर मैं लेकर गया उनको। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि राइडर सोचते हैं कि बिना ऐड किए ही हम घूमते रहें कहीं भी, ठीक है। तो इससे क्या है कि उनको पता है कि बिल कंपनी वाले बढ़ाएंगे नहीं, और जितना है ऑन द वे रास्ता है तो उसी में ही हो जाएगा। तो यही कुछ करने की मैडम सोच रही थी जिनको मैंने बोला, फिर उनको ऐड करवाया मैंने। ऐड करा के फिर मैं लेकर उनको उसके उनके बच्चे को छोड़ा वहाँ पर। फिर उनको रानी झांसी फ्लाईओवर के जस्ट नीचे पेट्रोल पम्प है, जहाँ पर पेट्रोल पम्प के पास में ही स्कूल था, तो वहाँ गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पर उनको ड्रॉप किया मैंने। तो वहाँ से फिर मेरे पास CNG दोस्तों मैंने कल डलवाई नहीं थी, रात के टाइम एक्चुअली भूल गया था जल्दबाजी में, तो रात में डलवाई नहीं। रेड पे ऑलरेडी मतलब थी आ ही गई थी जब सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट करी थी। तो रेड पे क्या है कि 30-35 किलोमीटर चल जाती है, तो एक आध ट्रिप अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने सिविल लाइन्स छोड़ा उनको, फिर मैंने उसके बाद डिवाइस बंद कर दिया था। फिर मैं सीधा आ गया आपका जो कश्मीरी गेट के अपोजिट साइड पे CNG पंप बना हुआ है, तो वहाँ पर CNG पंप पे मैं गया, खाली पड़ा हुआ था CNG पंप। तो दोस्तों वो CNG पंप मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल सा लगता है, तो आप भी मुझे कमेंट्स करके बताना क्या वहाँ पर कुछ झोलमाल होता है क्या CNG पंपों पे? क्योंकि मैं CNG तो मैंने डलवा ली, 558 रुपये की मेरी CNG, 556 रुपये कुछ पैसे की CNG,
और बंदा मेरे से मतलब पेटीएम में कर रहा हूँ तो उसमें पेटीएम की मशीन में डाल रहा है 560 रुपये, सीधे सीधे 4 रुपये बढ़ा के। तो मैंने कहा भाई ये 4 रुपये क्या कह रहा भैया, ये तो राउंड फिगर हम कर देते हैं, ड्राइवर भाई तो दे जाते हैं 1-2 रुपये एक्स्ट्रा। मैंने कहा भाई 1-2 रुपये एक्स्ट्रा की बात है, 1 रुपये एक्स्ट्रा ले ले, 556 है तो 557 ले ले। मैंने कहा तू डायरेक्ट 4 रुपये बढ़ा रहा, 4 रुपये बढ़ाते बढ़ाते 200 गाड़ियाँ आती है, तो 200 गाड़ी के हिसाब से 4 रुपये अगर हर गाड़ी से तू एक्स्ट्रा लेगा तो तू तो सैलरी से अच्छा तो तू इसी में ही कमा रहा है। तो चुप हो गया बंदा। फिर मेरे उससे उसने 1 ही रुपया डायरेक्ट एक्स्ट्रा किया, वो समझ गया था कि ये भाई ज़्यादा बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि दोस्तों, और उसी पंप पे एक और चीज़ है कि मतलब कभी भी आपको लाइन मिले तो आपको बस 30 रुपये ये लेते हैं, 30 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं ये पंप वाले, और आप फर्स्ट नंबर आपका ही होगा, 30 रुपये आप दे दोगे तो फर्स्ट नंबर आपका होगा। तो इतना अगर देखिए कोई कंप्लेंट करने को बोलो तो बोलते हैं कि अंदर जाके कर दो भाई कंप्लेंट, मैनेजर भी मिला हुआ है हमसे। तो ऐसे कुछ बातें होती है। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि सीएनजी पंप पे कई देखो सीएनजी डलवाने में पैसे लग रहे हैं, और जितनी भी सीएनजी आती है उसमें भी 2-4 रुपये एक्स्ट्रा ये मारती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मीटर में भी हेरा फेरी होती होगी। तो जो भी भाई उस पंप से डलवाता है तो उसका जरा फीडबैक बताना दोस्तों, मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैंने सोचा आपसे पूछ लिया जाए, आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हो और भी भाइयों का एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, तो मुझे बताना दोस्तों। देखो एक हरिनगर वाला सीएनजी पंप है, उसके बारे में भी सुना हुआ है, तो काफी है जहाँ पर कुछ झोलमाल होता है। तो कहाँ कहाँ होता है दोस्तों ये आप बता दोगे कमेंट्स करके, तो क्या है कि कुछ ड्राइवर भाइयों की हेल्प हो जाएगी और वो उस पंप से नहीं डलवाएंगे सीएनजी, क्योंकि देखो हम लोग अब बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और उस पैसा का कोई मिसयूज कर दे। अब सीएनजी आ रही है 600 रुपये की और डली उसमें 500 रुपये की है, तो 100 रुपये की अगर कोई हेरा फेरी करे तो बड़ा वो होता है। कई बार हमारी खुद की गाड़ी सीएनजी की एवरेज नहीं देती सीएनजी ज्यादा डलवाने के बाद भी, तो उसके कारण बहुत से होते हैं कि गाड़ी में टायर में प्रेशर नहीं होता, या कई बार होता है कि सीएनजी ही कम डली हो तो ये भी चक्कर हो जाता है, हमें नहीं पता चलता। हम तो जो मीटर है वही चेक करते हैं ना किस प्रेशर में क्या जा रहा है। तो दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताना कि मतलब आपकी भी गाड़ी में किसी सीएनजी पंप पे दिक्कत हुई है या होती है, ऐसे पैसे राउंड फिगर लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते। तो दोस्तों वहां से मैं सीएनजी डलवा के मैं आ गया था आपका, मेरे पास ट्रिप आ गई थी यहाँ से मलकागंज से, तो ओला में ही आ गई थी 2 किलोमीटर से, तो उनकी लोकेशन पे पहुंचा, पीतमपुरा की ट्रिप थी। तो एक तो फ़ोन ओला में पता नहीं क्या चक्कर है, एक बार फ़ोन उठा लेंगे क्योंकि कहते हैं हाँ आ जाओ, फिर उसके लोकेशन में पहुंच के 10 मिनट तक वेट किया, 10 मिनट के बाद भैया आ रही हूँ, फ़ोन ही नहीं उठाता कोई। तो मैंने कहा चलो यार आज ओला ही चला लेते हैं, उबर तो कंटिन्यू चलाते ही हैं, आज ओला ही चला के देख लेते हैं क्या मज़ा आ रहा है ओला में। तो ओला में इतना कुछ नहीं है, फेयर का कैपेसिटेशन देखा मैंने, फेयर भी ठीक ठीक मिलता है, जो उबर में ही आ रहा है वही फेयर ओला भी दे रहा है। अभी फिलहाल मैंने जो ट्रिप करी है उसमें तो उसने ठीक ठीक ही दिया है। तो दोस्तों वहां से पीतमपुरा मैंने उनको ड्रॉप किया, पीतमपुरा से क्या है कि फिर मैंने उबर भी ऑन कर दी, उबर में लगा हुआ था सर्ज, तो सर्ज जैसे ही मैंने ऑन किया सर्ज लगा हुआ था, सर्ज में बुकिंग आ रही थी, एक बुकिंग आ रही थी बट वो थी सादरा साइड की, सादरा की मैंने एक्सेप्ट नहीं की, 1.4 में थी। फिर उसके बाद देखा उसने एकदम से सर्ज सारा हटा दिया, तो सारा हटा दिया, फिर मैंने कहा यार इसमें कोई फायदा नहीं है। तो मैंने कहा चलो ओला भी खोली रखी है, ओला में भी आ जाएगी तो आ जाएगी, नहीं तो ढंग की। फिर मैंने कहा इन ड्राइव चेक कर लेता हूँ, तो इन ड्राइव में मैंने चेक किया दोस्तों, बुकिंग्स तो आ रही थी, एक गुड़गांव की थी सेक्टर 61 की, 661 रुपये कुछ बता रहा था, तो मैं अपना रेट देता हूँ उससे पहले ही गायब हो जाती है। एक तो इन ड्राइव में समझ नहीं आता, क्लिक करो तो गायब हो जाती है, कोई अच्छी सी ट्रिप मिलती है लंबी तो उसमें वो दिक्कत हो जाती है। तो फिर चलते चलते एक ट्रिप और आई मेरे पास, नोएडा सेक्टर 85 की थी, तो वहां से था 48 किलोमीटर नोएडा। तो दोस्तों उसने रेट दे रखा था अपना 565 रुपये कुछ ऐसे आ रहा था, तो मैंने उसको सीधा जो रेट दिया वो 800 रुपये का दिया, और जैसे ही मैंने रेट दिया अपना 800 का तो उसने 800 में तुरंत एक्सेप्ट कर ली। मैंने कहा यार इसने तुरंत एक्सेप्ट करी है, कुछ झोल तो नहीं है कहीं, पता लगे मैं ही लॉस में चल रहा हूँ। तो 48 किलोमीटर की ट्रिप थी और 800, तो मैंने देखा उबर में, मैंने तुरंत चेक किया उबर में जो फेयर आ रहा था दोस्तों वो तो आ रहा था 1040 रुपये ऐसी समथिंग का था। तो मैंने कहा यार, फिर मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा 1040 में 35% 30% ही वो भी डिडक्ट करेगा, ठीक है तो 200-250 वैसे भी उड़ाएगा उबर, और ऑलरेडी आपको अगर 800 रुपये में ट्रिप मिल रही है तो उसको ले ली जाए। तो मैंने बिना देर किए 2 किलोमीटर की उसमें पिकअप था, फटाफट उनकी लोकेशन पर पहुँचा
और हालांकि मैं उनसे 100 रुपये और एक्स्ट्रा ले सकता था, उन्होंने टोल इंक्लूड नहीं किया था, बट जो जिस रेट में बात हुई है उसी रेट में बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप अगर ओला या उबर से भी जाते तो आपको वही फेयर, आपको कट पिट के सब कुछ मिलता, तो वही फेयर उसमें इन ड्राइव में। मैंने कहा चलो यार प्लस में ही रहेगा, कुछ ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो उसमें फिर मैंने फटाफट उस ट्रिप को लिया, लोकेशन पर पहुँचा उसकी तो फिर उनको बैठाया, वो कहते भैया मेरे को तो इतना फेयर दिखाया था, चलो ये भी ठीक है। मैं कह रही हाँ वो तो ठीक है, बट कई बार देखिए लंबी ट्रिप में बेनिफिट है, बट इसमें रेट खराब ही होते हैं, कम से कम ऑटो से भी कम रेट डालते हैं। कह रही नहीं भैया हम तो देखो जो कैब में मिलते हैं उससे अगर 150 रुपये हमें बच रहे हैं, देखो आपको तो कमीशन कट के। मैंने कहा हाँ वो तो बात ठीक कह रहे हो आप, मैं कहा मुझे आपकी ट्रिप में लॉस नहीं है ना फायदा है, बट जितना मेरे को आपके ट्रिप ओला ओवर में लेकर जाता उतना ही फेयर मेरे को उसमें मिलता है, इसमें मिल रहा है, तो टाइम वेस्ट ना करके मैं ये ट्रिप ले रहा हूँ। तो उसने मेरा पर्सनली नंबर भी लिया और कहती भैया नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को दिल्ली से बाहर भी जाना होगा तो मैं आपको ही मतलब वो करूँगी, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया मैडम ने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। देखो दोस्तों यही चीज़ होती है कि पैसेंजर के साथ एक रिलेशनशिप बनाना, और ये लॉन्ग टाइम में आपका काम आता है, आपका व्यवहार आपका स्वभाव ये दोनों चीज़ें मतलब बहुत वो रहता है कि आप कैसे बात कर रहे हो राइडर से, तरीके से सही तरीके से बात कर रहे हो, ट्रीट अच्छा कर रहे हो, तो आपके मतलब आप अपने बारे में बताओ थोड़ा सा, तो फिर राइडर को भी ट्रस्ट होता है, तो वो फिर नेक्स्ट टाइम के लिए आपको बुक कर लेता है। तो इन्होंने भी मेरा नंबर ले लिया है, तो अभी कभी इंटरसिटी की कभी इनका मूड बनेगा कहीं का भी तो ये मेरे को डेफिनेटली याद करेंगी। तो दोस्तों ऐसे ही राइडर होते हैं जिनसे बनानी पड़ती है बातचीत। तो दोस्तों मैं पहुंच गया था नोएडा सेक्टर 85 से, फिर जो मेरे पास ट्रिप ये लगा लो एक ही आई थी आपका जीआईपी की साइड की थी, सेक्टर 15 की नोएडा, सेक्टर 2 नोएडा की, तो वहीं पे मैंने छोड़ा। वहां से लगा लो 40 मिनट हो गए, ओला भी खोल रखी उबर भी खोल रखी, और दोनों में मैंने लोकेशन डाल दी थी इधर की गुड़गांव साइड की। मैंने कहा गुड़गांव की मिल जाए यार, लंबी मिल जाएगी तो काम बन जाएगा। तो क्या है कि ना ट्रिप आ रही उसमें और इन ड्राइव में आ रही, इन ड्राइव में आती जा रही है आती जा रही है, तो मतलब वही कुछ तो इसमें ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा मजे लेते हैं, अच्छे अच्छे रेट डाल देते हैं। तो देखो दोस्तों इन ड्राइव चला रहे हैं, पहले मैं बस वही ट्रिप लेता हूँ उसमें जो मेरे को बेनिफिट होते हैं, और देखो आपको कंपेरिजन आप देख ही सकते हो कि मैंने वही ट्रिप ली है कि जो जिसमें मेरे को फ़ायदा है। ऐसे नहीं है कि मैं ऑटो से भी कम रेट में इन ड्राइव में लेके जाऊँ, वो चीज़ गलत करते हो आप। तो जो भी भाई अगर चलाते हो तो दोस्तों रेट देख लो और जब भी एक्सेप्ट करो, और ओवर का रेट चेक कर लो कि हाँ इतना मिल रहा है तो उसमें आपको कट पिट के कितना मिल रहा है, तो अगर कट पिट के भी ठीक आपको ऊपर ही मिल रहा है तो आप उस ट्रिप को ले सकते हो, अदरवाइज रेट खराब करने की तो आपको पता ही है रेट खराब हो जाएंगे मार्केट में, तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वहाँ से दोस्तों फिर ये लगा लीजिए मेरे को ट्रिप, फिर मैंने लोकेशन हटाई ओला की, तो कैलाश हॉस्पिटल से ही ओला की ट्रिप आ गई थी मेरे पास। तो ओला की आई ईस्ट किदवाई नगर की, फटाफट मैंने पिकअप लिया, ऑनलाइन पेमेंट थी उनकी, तो ऑनलाइन पेमेंट में मैंने फटाफट उनको पिकअप लेके ड्रॉप किया। तो दोस्तों किदवाई नगर के बाद फिर मैंने लोकेशन लगा दी थी ओला में, और लोकेशन लगा दी थी घर की सीधा, और एयरपोर्ट इधर की एरो सिटी की मेरे पास ट्रिप आ गई थी ओला में ही, तो एरो सिटी मैंने ड्रॉप करके फिर मैं सीधा खाली आ रहा हूँ अब घर की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक भाई के कमेंट्स का, और उसके कमेंट्स का मैं आपको पता ही है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आपके सवाल होते हैं उनका आपके मतलब अपनी वीडियो के माध्यम से उनका रिप्लाई करूँ। तो एक भाई का मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, और व्हाट्सएप पे मैसेज मैं दिखा दूंगा आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उसने यही बोला था कि भैया मैं 6-7 महीने से खाली हूँ, और ठीक है मेरे पास मतलब काम नहीं है बिल्कुल भी, और मैं चाह रहा हूँ कि सेकेंड हैंड गाड़ी वैगनर ले लूँ, और वैगनर लेके उसको एक टाइम में ठेके पे दे दूँ 50-50% पे, और रात में अपना मैं खुद चलाऊँ, तो ऐसे में कुछ बचत हो सकती है। तो मतलब ये उसका भाई का कमेंट था, तो मैंने उसको यही बोला भाई देखो अगर काम नहीं है तो अगर इस लाइन में इंटरेस्टेड हो और पहले से इस लाइन के बारे में जानते हो या पहले से किसी ड्राइविंग लाइन में थे तो आप आ सकते हो, अदरवाइज सेकेंड हैंड गाड़ी में देखो, सेकेंड हैंड गाड़ी में एक तो सबसे बड़ी बात है सेकेंड हैंड गाड़ी मिलती साफ सुथरी बहुत कम है, सारी की सारी बेकार ही मिलेगी, 1,00,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेगा। 2-3 लाख की गाड़ी भी लोगे तो उसमें 1,00,000 रुपये और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, गाड़ी के पेपर टूटे होंगे, पेपर कंप्लीट कराओगे आप, ठीक है,
उसके बाद उसका टैक्स वगैरह फिर करवाओगे, और कितनी पुरानी गाड़ी है, कितने की आपको मिल रही है उसमें। सपोज आप 6 साल पुरानी गाड़ी ले रहे हो NCR की, और उसमें आपको 2 साल ही मिलेंगे, 3 लाख आप लगाओगे, तो उसमें आपको बेनिफिट कुछ नहीं होगा, आप जेब से ही पैसे दोगे। 2 साल में आप रिकवर करोगे तो 2 साल में आपने अपना ही पैसा रिकवर किया है कि नहीं। तो कोशिश करो। देखिए दोस्तों, काफ़ी भाई हैं आज के टाइम में, काम की कमी है बेशक, तो मैं किसी को मतलब ये नहीं बोलता कि भैया मत आओ इस लाइन में, पर देखो अगर है, आपको लगता है एक्सपीरियंस आपने ले लिया है, 10 जगह पूछ लिया है, फिर भी आप करना चाहते हो, तो आप देख लो कोई साफ। अगर सेकेंड हैंड गाड़ी लेने से बढ़िया आप नई में प्रेफर करो। नई में क्या है कि आप कम से कम आपको 8-10 साल की परमिशन मिलेगी उसकी, 8 साल की NCR की परमिट मिलेगी, 10 साल की आपको ऑल इंडिया की परमिट मिलती है, तो इसमें बेनिफिट ये होता है। पुरानी गाड़ी में नुकसान ही नुकसान है। आप पुरानी गाड़ी देखो, आपने उसमें एक चीज़ बोली जाती है कि पुरानी यार किसकी, दूसरी की गाड़ी लोगे आप, उसकी वो फली है नहीं फली है, ये सब चीज़ें भी कहते हैं, बाकी मानने वाले कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते, ठीक है ना। लोहा आपको समझ ही आ गया होगा, लोहा किसी किसी को ही फलता है। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज़ में हाथ डालते हैं तो किसी से पूछ लो, पंडित से, कि हाँ मैं इस लाइन में ठीक रहेगा मेरा काम, उसके बाद ही उस लाइन में जाने की सोचते हैं, क्योंकि हम भी किसी बिजनेस में हाथ डालते हैं तो पंडित से ज़रूर पूछते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। सेकेंड हैंड गाड़ी के लिए मैं प्रेफर नहीं करना चाहूँगा। भाई जो ये कमेंट्स कर रहे थे उनको मैं मतलब आप यही बताना चाह रहा हूँ कि भैया सेकेंड हैंड में नुकसान ही नुकसान है, बाकी आपकी मर्जी है। कोई साफ़ सुथरी गाड़ी अगर मिल रही है आपको 2-4 साल पुरानी, तो आप ले सकते हो, अदरवाइज़ मैं तो मना ही करूँगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आपका बजट है, आपका पैसा है, तो आप जैसे यूज़ करना चाहें। हाँ, और अर्निंग की बात रही तो अर्निंग दोस्तों आपको भी पता है, सबको पता है, इसमें जितना मेहनत करोगे उतना पैसा है, जितना नहीं करोगे उतना कम है। तो पैसा हर टाइम नहीं है, टाइमिंग पूरा देना पड़ता है रोड पे, जितना आप रोड पे टाइम दोगे उतना आपको उसकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। तो मैं भी सुबह निकलता हूँ 7 बजे, कभी 5 बजे भी निकल जाता हूँ, कभी 6 बजे भी निकलता हूँ, तो अलग अलग टाइम पे 12-13 घंटे का अपना लॉगिन रहता हूँ, तब जाके मतलब वो मिलता है टाइम, तो अर्निंग कर पाता हूँ। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। आज मैंने ओला चलाई है, काफ़ी भाई बोलते थे कि ओला की अर्निंग नहीं दिखाते, भैया ओला की भी अर्निंग दिखाया करो, तो ओला की आज मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ। कोई खास अर्निंग हुई नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 688 रुपये की ओला का काम है। आप भी सोच रहे बड़ा यार क्या काम किया भैया ने, तो भाई ऐसा ही काम है, 688 रुपये का काम ये है, इसमें 100 रुपये का MCD टोल मिला है मेरे को वापस आने का, और एक इन ड्राइव में राइड करी है मैंने 800 रुपये की, तो 800 रुपये इसमें मान लो राउंड फिगर 800 रुपये इन ड्राइव में, 1600 रुपये का काम है, 1600 रुपये का काम हो गया है दोस्तों आपका। 1:35 हो रहे हैं अभी, और 1:14 में मैं ये ब्लॉग स्टार्ट किया था, टाइम बताना भूल गया था, तो 1:14 पे मतलब ये लगा लीजिए लास्ट ड्रॉप मैंने किया था, वो 1:45 मैंने ड्रॉप कर दिया था, और 1 बजे तक का काम समझ लीजिए, सुबह 7 से 1 बजे तक का काम इतना है, 1600 वो तो ट्रिप्स है, सारी चीज़ें डिपेंड करती है सर्च पे, राइड पे, टाइम पे, तो इसीलिए अच्छे से अगर ट्रिप्स मिल जाए तो अच्छा काम हो जाता है, नहीं तो कई जगह फंस भी जाते हैं, जैसे कि मैं फंसा UP साइड में आज, तो 40 मिनट मेरे ख़राब हुए आज, तो कोई नहीं दोस्तों। 1600 रुपये में एक MCD टोल है उसको हटा देते हैं हम, 1500 रुपये का काम है, 1500 रुपये के काम में जो मेरी CNG लगी है वो दोस्तों तकरीबन आपकी 400 रुपये तक की CNG मेरी लग चुकी है, तो 558 की सुबह डलवाई थी ऑलरेडी, पहले भी 100 रुपये की थी उसमें, तो 658 650 की में 400 की चली गई, 250 तक की मेरे पास अभी बची हुई है CNG। तो यार DPS स्कूल का जाम लग गया है दोस्तों यहाँ पर, एक्चुअली छुट्टी का टाइम हो गया, DPS स्कूल की गाड़ी घुमानी पड़ेगी यहाँ से पीछे के। आज मैं जल्दी पहुँच गया हूँ, तो जल्दी ये क्या है कि DPS स्कूल की छुट्टी हो रही है यहाँ पर। रुक जा, पीपी करने से कुछ हट जाएगी गाड़ी, पेशेंस नाम का वो ही नहीं है किसी को, गाड़ी घुमा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको CNG मेरी लग गई 400 रुपये की, 1600 1500 रुपये के काम में,
तो 1500 रुपए के काम में आधा दिन काम किया है, तो आज के जो मैं मेंटेनेंस खर्चा निकालूंगा वो भी आधा ही निकालूंगा, 100 रुपए निकालूंगा इसमें से आज के। मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, सारी की सारी चीजें इसी में ही होती है। वैसे 200 निकालता हूँ, पर आधे दिन काम किया है तो 100 रुपए निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों आज का जो काम मेरा नेट निकल गया है वो 1000 रुपए का काम है मेरा, और 1000 रुपए इसलिए है क्योंकि मेरी गाड़ी फ्री है, मुझे कुछ नहीं देना EMI वगैरह। तो आपकी अगर EMI होगी तो आपको ये लगाओ पूरे दिन चलाओगे तो आपको 500 रुपए निकालने, आधे दिन चलाया आपने तो 250 आप निकाल सकते हो। तो वही है काट पीट के, जिसकी नई गाड़ी है वो 700-600 तक लेके जाएगा, मैं गाड़ी फ्री है तो मैं 1000 रुपए लेके जा रहा हूँ। तो आज का काम दोस्तों इतना ही हुआ है, और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे इतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला ओवर के बारे में जानना चाहते हैं, एक्सेल में ओला ओवर में कितना काम हो रहा है, वैगनर गाड़ी लेने में फायदा है या डिजायर गाड़ी ले, एर्टिगा गाड़ी लेने में फायदा है या पुरानी गाड़ी लेके चलाने में फायदा है, या नए ड्राइवर भाइयों के लिए क्या सबसे बेस्ट गाड़ी है, ये सारी की सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है दोस्तों। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो लिंक वाइज लगी हुई है, तो अगर आपका कुछ भी कमेंट्स है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, और मेरा ग्रुप भी बना हुआ है इंडियन यूट्यूबर महेश के नाम से, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें ज्वाइन होकर आपके कुछ भी सवाल है आप वहाँ भी अपने डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर भाई जुड़े हुए हैं, तो आपकी कोई भी समस्या हो उसका वहाँ पर आपको समाधान मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, और कल कितनी अर्निंग होगी कितनी नहीं होगी वो सारी की सारी वीडियो बताऊंगा कल की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय।